कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख में संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे यह देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए, तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं वो अपनी मन की बात करते हैं, मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, आपको ये मत समझिए कि मैं आपको भाषण में बात बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहां लोग सड़क बनाने लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा, मैंने तो पूछा देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं, क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा और एक से नहीं अनेक
लिबरल से मैंने पूछा और सारे के सारे लिबरल्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। Z News.